भले ही टेस्ट ट्यूब बेबी निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान हो, लेकिन आखिर क्यों इसके जनक को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी और फिर कैसे मिली पहचान, जानना है तो देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु, आप देख रहे हैं द खबरदार। 16 जनवरी वैसे तो इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, चाहे वह बात संभाजी राजे के राज तिलक की हो या फिर रूस द्वारा 3 सैटेलाइट छोड़े जाने की, चाहे कल्पना चावला के द्वारा द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ पहला खाड़ी युद्ध। लेकिन इस रिपोर्ट में हम जिस महान शख्सियत की बात करने वाले हैं, उन्हें मिलने तो चाहिए थे सम्मान, लेकिन मिले सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार। और तिरस्कार ऐसा कि वेदना की आग में जलकर आत्महत्या करनी पड़ी। अब आते हैं असल बात पर। तारीख थी 16 जनवरी। कोलकाता के जाने माने वकील के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम पड़ा सुभाष मुखोपाध्याय। नाना के घर जन्मे सुभाष मुखोपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टरी करने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी गए। वहां से डॉक्टरी पढ़कर वापस लौटे तो विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पे रिसर्च करने लगे। ये उस दौर की बात थी जब दुनिया भर में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चर्चा जोर पकड़ रही थी, लेकिन अब तक कोई भी सफल परीक्षण नहीं किया जा सका था। 80 के दशक में एक सामान्य धारणा थी कि जिन युगलों के बच्चे नहीं होते थे तो समाज अपने तानों से उनका जीना मुहाल कर देता था। कोलकाता में भी एक ऐसा ही धनवान मारवाड़ी परिवार समाज के तानों से परेशान था। दंपत्ति को जब सुभाष मुखोपाध्याय के बारे में पता चला तो वह उनके सॉर्थन एवेन्यू स्थित छोटे से मकान में मिलने जा पहुंचा, जहां पर जाकर के दंपत्ति ने डॉक्टर सुभाष से टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा गोद भरने की गुजारिश की। डॉक्टर सुभाष भी मानो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और इस तरह शुरू हुआ एक छोटे से फ्लैट के बेहद ही छोटे से कमरे में चंद उपकरणों और रेफ्रिजरेटर की सहायता से इतिहास रचने वाला प्रयोग। जहां एक तरफ डॉक्टर सुभाष चंद उपकरणों की सहायता से इतिहास रचने वाले प्रयोग की तैयारी में थे, इसी दौरान इंग्लैंड के मशहूर डॉक्टर पेट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स सरकार और बेहतरीन उपकरणों की सहायता से ऐसे ही प्रयोग को अंजाम दे रहे थे, जहां लंबे समय तक बच्चे नहीं पैदा कर पाने वाले एक दंपत्ति पर वह इसका प्रयोग कर रहे थे। 25 जुलाई 1978 को रॉबर्ट एडवर्ड और पेट्रिक स्ट्रेप्टो ने टेस्ट ट्यूब की सहायता से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की घोषणा कर इतिहास रच दिया। इस वक्त डॉक्टर सुभाष के लैब में एक भ्रूण आकार ले रहा था। 25 जुलाई से ठीक 67 दिन बाद यानी 3 अक्टूबर 1978 को डॉक्टर सुभाष ने बताया कि भारत ने भी टेस्ट ट्यूब के सफल परीक्षण के द्वारा दुनिया के दूसरे स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सफलता अर्जित कर ली है। दुर्गा पूजा का पहला दिन था, इसलिए बच्चे का नाम रखा गया दुर्गा, जो आज कनुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानी जाती हैं और एक 10 साल के बच्चे की माँ है। डॉक्टर सुभाष इस तकनीक को वैश्विक स्तर पर साझा करना चाहते थे और यहाँ तक कि इस तकनीक के बारे में चर्चा के लिए जापान ने टोक्यो में उन्हें आमंत्रित किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कई प्रतिभाओं की तरह ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय भी राजनीति के कुचक्र में फंस गए। उनके प्रयोग को संदेहात्मक मानते हुए सरकार ने उनके जापान जाने पर रोक लगा दी। वही बंगाल सरकार ने 18 नवंबर 1978 को उनके ऊपर 4 सूत्री जांच बिठा दी। जांच कमेटी के अयोग्य सदस्यों के अजीबोगरीब सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण डॉक्टर सुभाष के प्रयोग को झूठा बताते हुए उनका मजाक उड़ाया गया और सजा के तौर पर उनका ट्रांसफर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑथाल्मोलॉजी कोलकाता कर दिया गया। अगर यही प्रयोग किसी दूसरे देश में किया गया होता तो देश पलकों पर बिठाता, सम्मान करता, शोहरत देता, लेकिन डॉक्टर सुभाष को सम्मान की जगह सिर्फ अयोग्यों का संदेह, अपमान और तिरस्कार मिला। डॉक्टर सुभाष इस वेदना को सह नहीं सके और उन्होंने अपने को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया और अंततः 19 जून 1981 को छत की सीलिंग में फांसी लगा करके अपने जीवन का अंत कर दिया और इस तरह से एक महान व्यक्ति के जीवन का अंधकार में अंत हुआ। मगर कहानी यही नहीं खत्म होती है। डॉक्टर सुभाष एक ऐसे सूर्य थे जिनकी किरणों को दबाया नहीं जा सकता था। डॉक्टर सुभाष के मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1986 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रजनन अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक डॉक्टर टेसी आनंद ने
टेस्ट ट्यूब के सफल परीक्षण के द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में कामयाबी हासिल की। डॉक्टर आनंद को टेस्ट ट्यूब परीक्षण के द्वारा पहले स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का खिताब मिला। इसी दौरान डॉक्टर सुभाष के सहयोगी रहे डॉक्टर सुनीत मुखर्जी ने डॉक्टर आनंद को प्रयोग से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और डॉक्टर सुभाष की डायरी सौंपी, जिसके गहन अध्ययन के बाद डॉक्टर आनंद ने माना कि डॉक्टर सुभाष के दावे सच थे। और डॉक्टर आनंद के प्रयासों के बाद 1997 में ICMR ने डॉक्टर सुभाष के दावों को सच माना और उनकी थ्योरी को मान्यता दी। और इस तरह से मौत के लगभग 2 दशक के बाद डॉक्टर सुभाष के उस प्रयोग को मान्यता दी गई, सराहा गया, जो वर्तमान समय में निसंतान दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 1990 में मशहूर फिल्म निर्माता तपन सिन्हा ने उनके प्रयोग और जीवन पर एक फिल्म बनाई, नाम रखा एक डॉक्टर की मौत। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पंकज कपूर ने। और इस तरह पूरे विश्व को डॉक्टर सुभाष के जीवन और उनके प्रयोग के बारे में पता चल सका। हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपके सुझाव और सलाह कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें।